नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो रोज़ हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो उस पूजा पाठ को क्या हम विधि विधान से करते हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ते ना, कहीं कोई हमसे भूल तो नहीं होती ना। तो चलिए आज इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो है और इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमारे घर में कभी भी हमें ये जो ऐसे कांटा सा निकला निकला जो शंख होता है, वो शंख आप अपने घर में पूजा मंदिर में कभी मत रखिए। क्यों? आप लोग फिर पूछेंगे क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो गोल वाला शंख ही हमें अपने पूजा रूम में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत नियम है और बहुत सारे सवाल आप लोग के होंगे कि बात क्या है। क्योंकि गोल वाला शंख ही घर में रखना शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है कि आप जब युद्ध होता है या रामायण और महाभारत आपने देखा होगा कि कभी भी भगवान लोग के हाथ में गोल वाले शंख होते हैं, विष्णु भगवान हो या कोई और भी भगवान हो, और जितने राक्षस गण होते हैं उनके हाथ में आप देखे होंगे जितने उसमें कांटे से निकले वाले शंख होते हैं, वो होते हैं। जब भी शंखनाद होता है युद्ध से पहले, आप उसमें देखिएगा राक्षसों के हाथ में कौन से शंख होते हैं, और जो भगवान विष्णु हैं और भगवान लोगों के हाथ में गोल वाले चिकनी वाले शंख हमें अपने घर में रखने चाहिए। तो आप आज से अगर आपके घर में वो कांटे वाले शंख है तो कृपया आप उसको बदल लीजिए, मंदिर में कहीं दान दे दीजिए, और गोल वाले शंख ही आपको रखनी चाहिए। तो ये हो गया शंख की बात। फिर अगला नियम है कि अगर आपके मंदिर में कोई देवी देवता की मूर्ति हो, फोटो नहीं मूर्ति है, तो आप मूर्ति को डेली रोज़ आपको स्नान कराना चाहिए। बिना स्नान किए मूर्ति को शुद्ध नहीं माना जाता। ज़रूर आप स्नान करवाइए अगर मूर्ति है आपके पूजा मंदिर में तो। फिर अगला नियम है हमारा कि कभी भी हम कोई भी पाठ करें, पूजा करें, सुंदरकांड पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, ऐसे तो हमें अपने घर में हमेशा रोज़, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको सुंदरकांड का पाठ हमेशा अपने घर में पढ़नी चाहिए। बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। घर में कभी भी रोग कष्ट व्याध नहीं आते हैं, बहुत अच्छा होता है। सुंदरकांड का पाठ अगर घर में पढ़ा जाए, पूरे घर में गूंजे, तो आप ज़रूर पढ़िए। और पाठ करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप दिया हमेशा आपके सामने दिया जलता रहना चाहिए, क्योंकि दिया जो है वो साक्षी होता है। वहाँ कोई अगर सुन रहा है तब तो आपको पाठ करने का फल मिलेगा, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो दिया को ही साक्षी माना जाता है, और दिया जो है सुनता है और आपकी पूजा को भगवान के पास पहुँचाने में आपकी सहायता करता है। तो दिया जला कर ही कोई पाठ करिए, या वो दुर्गा जी का पाठ हो या महावीर जी का पाठ हो, बजरंगबली का। तो आप कभी भी कोई भी पूजा अर्चना करिए तो दिया जरूर जला कर वहाँ रखिए, पाठ करने के दौरान तो अवश्य दिया जलाइए। तो ये हमारा दिया का नियम हो गया। अगला नियम क्या है कि तुलसी पत्ता हमें हर भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी पत्ता केवल विष्णु भगवान को ही चढ़ानी चाहिए। शिव जी को, गणेश जी को और भी भगवान लोग को तुलसी पत्ता वर्जित है, लेकिन विष्णु भगवान को कदापि न भूलें, अवश्य चढ़ाइए। विष्णु भगवान को, उन्हें बेहद पसंद है तुलसी जी, आप ज़रूर भोग लगाइए तुलसी पत्ता से। और जो एक नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जो हम अपने मंदिर में दिया जलाते हैं उस दिया को हमें पूरे घर में नहीं दिखाना है। जो शाम को हम दिया जलाते हैं जिसको संझा जलाना बोलते हैं, उस दीपक को हमें पूरे घर में नहीं दिखाना है, और जो दिया हम तुलसी माता के लिए जलाते हैं उस दिया को हमें पूरे घर में दिखाना चाहिए। जितने हमारे कमरे हैं, रसोई घर है, वहाँ पर आप उस दिया को दिखा सकते हैं, लेकिन जो दिया आप दीपक भगवान के लिए आपने जला रखी है उस दिए को हमें मंदिर में ही जलने के लिए छोड़ देनी है। और जो अगला नियम है प्रसाद को लेकर, तो आप अपने घर में मिश्री का, बतासे का,
गुड़ का प्रसाद आराम से लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम प्रसाद में यही चीज भोग लगाएंगे। जैसे किसी किसी के घर में ठाकुर जी होते हैं तो ठाकुर जी को तो घर का बना हुआ भोजन ही भोग लगाया जाता है, लेकिन हर कोई उतना नहीं कर पाता क्योंकि आजकल लोग जो है घर में किचन में रसोई घर में लहसुन प्याज वगैरह बनाते हैं, कितना दिन बचाएंगे, तो इसलिए बहुत सारे लोग ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते। लेकिन आप कभी कभी उनके लिए खीर सेवइयाँ या हलवा वगैरह भी बनाकर भोग लगा सकते हैं, थोड़ा सा अलग से उनके लिए बना दीजिए। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी का भोग लगाइए। और जो डेली अपने मंदिर में आप चाहें तो मिश्री बतासा गुड़ वगैरह का भी प्रसाद लगा सकते हैं भोग। और प्रसाद जब आप भोग लगाते हैं तो तुरंत आपको नहीं उठानी चाहिए, घंटी बजाकर ही भोग लगाइए। थोड़ा सा जल से आचमन कर दीजिए सारे भगवान लोग को, छोटा सा एक चम्मच आता है उससे कर लीजिए और घंटी जरूर बजाइए। और उसके बाद आपको कुछ देर के लिए, अगर दरवाज़ा है आपके पूजा रूम में तो बंद करके कुछ देर के लिए छोड़ देनी चाहिए, तो थोड़ा सा भगवान को भी ग्रहण वगैरह कर लेने दीजिए। तो बंद करके कुछ देर के लिए प्रसाद को आप अवश्य छोड़ दीजिए, तुरंत मत उठाइए भोग लगाने के बाद। फिर अगला जो हमारा नियम है कि कभी भी आप सैलरी और पेमेंट अपना अगर लाते हैं तो भगवान को अवश्य चढ़ा कर ही खर्च करना शुरू करिए। पहला सैलरी अगर आप लेकर आते हैं तो ज़रूर भगवान को एक बार चढ़ा लीजिए, उसके बाद ही आपको खर्च करनी चाहिए। कोई नया वस्त्र अगर आप पहनना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा सा उनको छुआ लीजिए, थोड़ा सा अर्पण कर दीजिए, अर्पित करने के बाद ही आप अपने शरीर में पहनिए वस्त्र को। तो ये भी हमारे कुछ नियम हैं घर की बढ़ोतरी के लिए, घर के प्रोग्रेस और विकास के लिए ये सब करना बहुत अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि अभी आपको पूजा से संबंधित ये जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये गलती करते हैं तो कृपया मत करिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए।